राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती ने संकट काल के इस समय में मानव सेवा के धर्म को निभाते हुए लोकमान्य तिलक स्कूल परिसर में स्थित लोकमान्य विद्या विहार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की है। यहाँ वे लोग अपना पंजीयन करा सकते हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य संक्रमित है और उन्हें रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सेवा भारती के राकेश शर्मा ने बताया कि विद्यालय परिसर में लगभग 22 कमरे हैं, जिनमें प्रत्येक कमरे में 4 बेड की व्यवस्था की गई है और लगभग 50 लोग आसानी से यहां रह सकते हैं। यहां क्वारंटाइन हुए लोगों के खाने की व्यवस्था भी सेवा भारती की ओर से की जाएगी। इसके लिए आने वाले व्यक्ति को अपनी कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट बतानी होगी, साथ ही विद्यालय परिसर में भी उसकी कोविड की जाँच की जाएगी। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में सेवा भारती के कार्यकर्ता ड्यूटी देंगे, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष कर्मचारी होंगे। इसके साथ एक डॉक्टर और एक नर्स भी मौजूद रहेंगे। लोटी स्कूल में क्वारंटाइन होने के लिए सुबह 9 से 12 और शाम 4 से 7 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। गुरुवार को विद्यालय परिसर को सैनिटाइज किया गया। 1-2 दिन में ये सेवा शुरू की जाएगी। सर, ऐसे परिवार जिनके घर में कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है, बाकी लोगों को घर में रुकने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को हम जांच के साथ में उनकी नेगेटिव रिपोर्ट लेंगे और उन लोगों को हम यहाँ पे रुकवाएंगे। वो बिल्कुल निशुल्क रहेगी, उनके रुकने की, खाने पीने की, नाश्ता की व्यवस्था पूरी हमारे द्वारा यहाँ पे की जाएगी और सुबह 6:30 बजे से उनकी दिनचर्या चालू होगी। दिन में योगा भी होगा और चाय, नाश्ता, भोजन जो भी होगा पूरी व्यवस्था की है हमने उन लोगों के लिए। यहाँ पे 22 रूम है और हमने 50 लोगों के रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पे की है। जैसे उसकी संख्या बढ़ेगी अगर, तो हम और बेड बढ़ा देंगे।